नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल लॉयन 10 प्रज्वल सीक्रेट में। और आज जानकारी लेकर आए हैं कि साधना में होने वाले अनुभव बताते हैं आपके साथ आगे क्या होने वाला है। जी हाँ, दरअसल कई ऐसे साधक हैं जो कि साधना के दौरान अनुभव को किसी बिंदु, व्यक्ति या किसी वस्तु पर एकाग्र करना और उसमें लीन हो जाना ही एक तरह का ध्यान माना जाता है। कई ऐसे साधक हैं जो ये जानना चाह रहे हैं, जो शुरुआती दौर में रहते हैं, कि आखिर हम साधना करते हैं तो हमें कैसा अनुभव होता है, हमें क्या अनुभव होना चाहिए और क्या इसकी ऐसी कोई दिशा है कि हमें आगे पता चलेगा भविष्य में हमारे साथ क्या होने वाला है। तो ईश्वर की उपासना का सर्वोच्च तरीका ध्यान और साधना को ही माना जाता है। पूजा उपासना के प्रयोग के बाद जिस पद्धति से ईश्वर की उपलब्धता हमें हो सकती है, ईश्वर हमें प्राप्त हो सकते हैं, तो वह क्या है? वह है साधना। साधना से ही हो सकता है। केवल आंखें बंद करना, ध्यान करना ही साधना नहीं होता है। चक्रों पर ऊर्जा को संतुलित करना भी आवश्यक होता है। यह बेहद जरूरी है। हालांकि ये बहुत कठिन जटिल प्रक्रिया से माना जाता है, लेकिन यदि सच्ची श्रद्धा और विश्वास के साथ आप करते हैं, आत्मविश्वास के साथ आप करते हैं, तो आप ये भी हासिल कर सकते हैं। दरअसल साधना एक सतत प्रक्रिया है जो कि कई चरणों के बाद हो पाती है। इन कई चरणों में पहले चक्रों को ठीक किया जाता है। तमाम गुरुओं आचार्यों ने ध्यान की अलग अलग विधियां हमें बताई हैं, जो कि हमारे प्राचीन ग्रंथों में शुमार भी है, आप वहां पर भी देख सकते हैं। पर सबका उद्देश्य सिर्फ एक ही है, वो है ईश्वर की अनुभूति करना। रास्ते अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन मंजिल सबकी एक ही होती है। तो चलिए एक बार फिर बात करते हैं साधना की। तो आखिर साधना के दौरान कैसे अनुभव होते हैं, यह एक दिलचस्प विषय है। अलग अलग साधकों के अलग अलग अनुभव होते हैं। कई ऐसे साधक हैं जो कि हमें बताते हैं कि आखिर उन्हें किस तरह के अनुभव हुए साधना के दौरान और साधना के बाद। दरअसल साधना और सिद्धि के लिए जब के समय ना हो रहा हो तो आखिर क्या करें, जब के लिए यदि समय ना हो तो हम क्या करें। इसके साथ ही साधना में अनुभव के मतलब आखिर क्या होता है, कौन सा अनुभव हमें दर्शाना होता है, तो आज हम इन्हीं अनुभवों को लेकर जानकारी लेकर आए हैं और आपको बताने वाले हैं कि आखिर किस तरह के अनुभव साधकों के होते हैं। वैसे तो जो नए साधक रहते हैं उनको जो अनुभव होते हैं वो कुछ डराने वाले होते हैं, तो कुछ बेहद अजीब तरह के होते हैं। यदि मैं ऐसे बात करूं तो देखिए, हर मनुष्य कई बार मनुष्य आपने जन्म लिया होगा ऐसा हम मानकर चल रहे हैं, जो कि कर्मों के अनुसार आप आने वाले वक्त में भी जन्म लेते रहेंगे। कहने का अर्थ यह है कि 84 लाख योनियां होने के बाद आपने मनुष्य रूप में जन्म लिया और इसके बाद भी आप मनुष्य रूप में जन्म लेंगे। यदि आपके पुण्य अच्छे रहेंगे, यदि आपके कर्म अच्छे रहेंगे, आपको अधिक पुण्य प्राप्त होता है। तो देखिए, पहले यदि पूरे भारतवर्ष की हम बात करें तो ऐसा हम मान के चलते हैं कि आपने जन्म लिया। अगर पिछले 100 सालों की बात कर लें तो यह तय है कि पिछले 100 सालों में आपका जन्म एक ना एक बार तो हुआ ही होगा, और ना जाने कितने वर्ष पहले इस पवित्र भारत भूमि में आपका जन्म हुआ होगा, जिस दौरान सभी लगभग एक जैसी बुनियादी सुविधाएं सभी के पास मौजूद रहती हैं। यदि हम कुछ वक्त पहले चले जाएं तो देखा गया कि यदि 100 साल पहले हम चले जाएं तो हम पढ़ते हैं, अधिकतर ऐसा अध्ययन भी करते हैं कि आखिर उस वक्त क्या दौर था, क्या देखने को मिलता था, कैसे लोग रहते थे, क्या उनके पास सुविधाएं मौजूद थी। ऐसा हम एक अनुमान के तौर पर जानकारी आपसे साझा कर रहे हैं। वहीं यदि हम घरों की बात कर लें तो लगभग हर घर में गाय हो गई, भैंस हो गई और अन्य सुविधाएं जो न हुआ करती थी, तो इसीलिए लोगों के मन में ज्यादा कुछ पाने की इच्छा नहीं थी। दरअसल जो बुनियादी सुविधाएं थी वो लोगों को पहले ही मिलती गई। इसके बाद जैसे कि आज के दौर में लोगों का सोचना रहता है कि हम ज्यादा कमाएं, ज्यादा लालच रहता है लोगों के मन में, लेकिन पहले का दौर ऐसा नहीं था। जो कुछ है लोग उसमें संतुष्ट हैं। ज्यादातर जो लोग थे वो जप करते थे, साधना करते थे, भक्ति में लीन रहते थे, लेकिन आज के दौर में ये सारी चीजें नदारद देखने को मिल रही हैं। लेकिन इसके बाद भी कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे साधक हैं जो तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। चलिए एक बार फिर हम पूर्व जन्म की ओर चलेंगे। अब मान लीजिए आपने पूर्व जन्म लिया होगा, न जाने कितने पुण्य आपने किए होंगे, कितने मंदिर आप गए होंगे, तो वहीं देवी देवता भी आपसे जुड़े रहते हैं
और उससे समर्थित आपको अनुभव होते हैं। अब जब आप साधना करते हैं तो मुझे ऐसी शक्ति दिखाई देती है जैसे कि घोड़े पर बैठी हुई कोई शक्ति है। मुझे ऐसी शक्ति दिखाई देती है कि माँ के रूप में कोई मुझे प्यार कर रही है। मुझे ऐसी शक्ति दिखाई देती है कि जो मुझे कभी मंदिर दिखाती है या मंदिर में पूजा पाठ करता हूं, अक्सर संबंधित देवी देवता के ही होते हैं। और अब बात करते हैं कि आखिर साधना के दौरान अनुभव क्यों होते हैं। ये तो हमने बात कर ली कि अलग अलग तरह के अनुभव होते हैं, अलग अलग तरह के, जैसे स्वप्न हमें रहते हैं, सोते हैं, सपने हमें आते हैं, हालांकि वो सपने हमें सुबह तक याद नहीं रहते क्योंकि उस वक्त हमारा भौतिक रूप नहीं रहता है। भौतिक रूप में यदि हम रहते हैं तो वो जो सपने रहते हैं वो हमें याद रहते हैं, और जो अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ ये अनुभव आपको याद रहते हैं कि आखिर साधना के दौरान ऐसे अनुभव हमारे साथ होते हैं। तो अब हम ये कोशिश करते हैं जानने की कि अनुभव आखिर क्यों होते हैं। तो अब जब आप साधना करवाते हैं तो कौन सा अनुभव आपको होता है, कौन अनुभव आपको करवाता है और क्या आपके गुरु आपको अनुभव करवाते हैं। देखिए, जब साधना करते हैं तो यह कह सकते हैं कि जो अनुभव हो रहे हैं वो आपके गुरु के कारण हो रहे हैं। जो साधना आपके गुरु ने की है वो साधना जब आपसे कहते हैं कि वही साधना करिए जो हमने की है तो ठीक है, लेकिन अब आपको ऐसी देवी या देवता की साधना करने से अनुभव हो रहे हैं तो जो उन्होंने आपने खुद चुना है। मान लीजिए कि आप किसी खास देवी या देवता की कर रहे हैं, उनको आपने चुना है कि नहीं भैया मुझे तो इन्हीं की आराधना करनी है, इन्हीं की साधना करनी है, तो आपको उस तरह के अनुभव अलग होंगे जिनका आपके गुरु ने नहीं बल्कि आपने स्वयं चुनाव किया है। जैसे कि आपने शिव जी की साधना शुरू की है, भले ही आपने, आपके गुरु ने आपको इसकी अनुमति दी हो, चाहे आपने माँ दुर्गा की साधना शुरू की हो या इसके अलावा माँ दुर्गा हो गई, शिव जी हो गई, माँ काली हो गई या किसी भी देवी या देवता की साधना आपने शुरू की है, आपकी इच्छा और तब आपका अनुभव हो रहा है, तो इसका कारण है कि आपकी भक्ति का जो जुड़ाव है वो आपका पहले से ही है। पहले से आपका भक्ति से जुड़ाव रहा है, भजन कीर्तन आप करते होंगे, ये तमाम चीजें आपने करी होंगी, तभी जो जुड़ाव रहा है मनुष्य का वो आध्यात्म के मार्ग पर चलता है, भक्ति के मार्ग पर चलता है। जीवात्मा क्या होती है? जीवात्मा जो होती है, जिन्होंने पहले भी जन्म लिया होता है, उसका अपना एक तपोबल होता है। तपोबल के बारे में मैंने आपको जानकारी दी इसके पहले ही। बीच में सिर्फ एक दीवार होती है जिसे एक माया जाल कहा जाता है, एक दीवार होती है जिसे माया जाल कहा जाता है। जब जातक आत्मा या प्रेतात्मा के रूप में यहां वहां भटकते रहते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि मनुष्य रूप मुझे मिल जाए, जो मेरी गलतियां हैं वो गलतियां माफ हो जाए, मैं साधना करूंगा, भक्ति करूंगा, यदि मुझे मनुष्य रूप मिल जाएगा तो, लाखों लाख बार प्रार्थना करते होंगे, यकीन मानिएगा, बात भी करते होंगे कि आखिर कैसे मुझे मनुष्य की योनि प्राप्त होती है, और जब योनि प्राप्त हो जाती है उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें सही मार्ग पर चलना चाहिए। दरअसल साधना के प्रत्यक्षीकरण पर अब हम बात करें तो यह निर्भर करता है आपके तपोबल पर। एक बार फिर मैं आपको बताता हूं कि 100 साधक एक साथ साधना कर रहे हैं, लेकिन 10 ऐसे साधक हैं जिन्हें प्रत्यक्षीकरण हो जाए, नहीं तो 1 साल या 2 साल या 3 साल भी लग सकते हैं, आप नहीं बता सकते, ना ही कोई गारंटी ले सकता है इसके, ना ही कोई प्रत्यक्षीकरण का कोई सीधा संबंध आपकी कुंडलिनी से होता है और उस देवी शक्ति से होता है यदि वो शक्ति प्रसन्न हो जाए और आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत कर दे, तो ये कहा जा सकता है कि सीधे तौर पर आपका एक संबंध जरूर बन गया है। और यदि संबंध आपका बनता है तो आपको स्वयं वो दर्शन भी दे देती है, वो दिव्य शक्ति जिसकी आराधना हम करते हैं, जिसकी साधना हम करते हैं, वो आपको दर्शन देती है। अगर आपका तपोबल सही है, और यह सब एक साधक की मेहनत पर निर्भर करता है, और उस गुरु की हम बात करें जिसने कि आपको दी है साधना, आपको सिखाया है, इसके अलावा वो गुरु भी आखिर कुछ नहीं कर सकता, गुरु भी अपनी ओर से कुछ ज्यादा नहीं कर सकते, हालांकि वो कोशिश यही करते हैं कि आपको ज्यादा से ज्यादा बेहतर परिणाम मिल सके, आप ज्यादा ईश्वर के करीब हो सके, साधना करें, आप आध्यात्म के मार्ग पर आगे बढ़े, लेकिन बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो कि आपकी कुंडली पर जा निर्भर करती हैं। तो कुछ साधक यह भी जानना चाहते हैं कि आखिर साधक घर में चप्पल पहनकर मंत्र जप कर सकते हैं, तो उसका जवाब है
जी हाँ बिल्कुल, आप मंत्र जप कर सकते हैं चप्पल पहनकर, लेकिन बशर्ते है कि वो चप्पल सिर्फ आपके घर की हो। यदि वो चप्पल सिर्फ आपके घर की है तो आप जरूर साधना कर सकते हैं उसे पहनने के बाद। इस बात का जरूर ध्यान रखिएगा कि जिस चप्पल या आप बाहर जाकर उसका उपयोग करते हैं तो उसका आप इसमें इस्तेमाल ना करें, क्योंकि साधना के भी कई ऐसे नियम होते हैं जिन्हें हमें ध्यान में रखना होता है। जो चप्पल आपने पहनी है वो चप्पल चमड़े की ना हो, जो बाहर आप जाते हैं वो चप्पल आपने ना पहनी हो, उस चप्पल को पहनकर आप मंत्र जप ना करें। अमूमन देखा गया आज के दौर में कि लोग बाहर घर में चप्पल पहनते हैं, सिर्फ यदि उसी चप्पल का आप उपयोग करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो ये हमने आपको जानकारी दी कि आखिर कई ऐसे साधक हैं कि उन्हें क्या समस्याएं आती हैं, अनुभव क्या आते हैं, अलग अलग तरह के अनुभव आते हैं, वो सब तमाम अनुभव हमने आपके साथ साझा किए हैं। तो उम्मीद करते हैं कि जानकारी आपको पसंद आई होगी, और यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, और यदि आपका कोई प्रश्न है तो हम पूरी कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब देने के लिए। तब तक के लिए नमस्कार।